हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैसेल्फ डॉक्टर अनिल गुप्ता, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के अंतर्गत आज आप सभी को आगे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के अंतर्गत आज आप सभी को हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में डिस्कस करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन किन किन पार्ट या किन किन बॉडी, गवर्निंग बॉडी से मिलकर के बना हुआ है, उसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हॉस्पिटल के, तो एक ये डायनेमिक प्रोसेस है जिसकी मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज होती है वो जो है बहुत ही मैनेजरियल स्किल्स के द्वारा, जैसे कि क्या बोलते हैं, सारी एक्टिविटीज़ जो है इसमें डिस्कस की जाती है कि एक्टिविटीज़ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट ह्यूमन के बीच में भी लेकर के, और कैसे कॉमन गोल्स उनके हेल्थ को लेकर के कैसे किया जाए, उसके बारे में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। तो मेन अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें या मेन गोल देखें, तो हमारा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी हॉस्पिटल का जो गवर्निंग बॉडी होता है वो मेन होता है, वो हॉस्पिटल का डायरेक्टर हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रस्टी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि बोर्ड का डायरेक्टर हो सकता है। ऐसा ही उसको हम क्या कहते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स वही है, मेन यही। इसके अलावा आपका जो सबसे पहले हम गवर्निंग बॉडी या ट्रस्टी को, जो भी गवर्निंग कर रहा है, जो गवर्निंग बॉडी है उसी को, या फिर ट्रस्टी है ठीक है, उसी को हम कह रहे हैं कि मेन यही है। डायरेक्टर हो सकता है या तो फिर डायरेक्टर हो सकता है या तो फिर गवर्निंग बॉडी जो ट्रस्टी है हॉस्पिटल, एक ही चीज है। अगर इसको हम देखें तो ये एक कमेटी गठित करेगा, क्या करेगा, एक कमेटी बनाएगा, एक कमेटी बनाएगा, और उस कमेटी में क्या होगा, उस कमेटी में क्या क्या कार्य हो सकते हैं, उस कमेटी में क्या क्या लोग हो सकते हैं। देखिए, एक तो एग्जीक्यूटिव को रखना जरूरी है, ठीक है। एक एग्जीक्यूटिव होगा, एग्जीक्यूटिव का डिपार्टमेंट भी हो सकता है, फाइनेंस का हो सकता है, इसी के साथ साथ डेवलपमेंट का भी हो सकता है, डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है, और आगे पब्लिक रिलेशन का, ठीक है, ये जरूरी है, पब्लिक रिलेशन। अब आपको सबसे पहले एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव का क्या है। देखिए, आप किसी भी हॉस्पिटल्स में आप जानते हैं तो वहाँ पे तमाम सेल्स के भी सेक्टर्स होते हैं जिनके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो अपने हॉस्पिटल को प्रमोट करने के लिए वर्क करते हैं। तमाम सेल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तमाम PRO टाइप के भी लोग रखे जाते हैं, जो कि डॉक्टर्स तक अपने हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में अच्छे से डॉक्टर्स को अवगत कराते हैं, और वहाँ हॉस्पिटल तमाम डॉक्टरों के द्वारा रिफर्ड बाई डॉक्टर्स के केसेस को ले जा करके वहाँ पर वो हॉस्पिटल को, उसके माध्यम से हॉस्पिटल को रन करवाते हैं। इसी तरीके से जो फाइनेंस सेक्टर है, ये भी आपका हॉस्पिटल का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फाइनेंस सेक्टर से आपको हॉस्पिटल का, कैसे हॉस्पिटल को आगे बढ़ाया जाए, कैसे सारी चीज़ किया जाए, क्या क्या कहाँ कहाँ से फंडिंग दी गई है, कैसे कहाँ कहाँ लोन हमको चुकाना है, या कैसे कम में लोन लेना है, हॉस्पिटल में और भी बहुत सारी सुविधाओं को बढ़ाना है, फाइनेंस सेक्टर के संदर्भ में जो भी चीज़ें रखती हैं उसको फाइनेंस सेक्टर से। इसी के साथ साथ आपको बता रहे हैं डेवलपमेंट के, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। देखिए, किसी भी चीज़ में अगर काम हो रहा है तो उसका प्रोग्रेस आपको दिखना चाहिए, और वो प्रोग्रेस अगर नहीं दिख रहा है तो कहीं कहीं सेक्टर का रहना जरूरी हो जाता है। तो ये इसके बिना जो है गवर्निंग, बिना इसके कोई कार्य नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, समय समय पर हमें जैसे हॉस्पिटल्स में कैंप लगाना चाहिए, निःशुल्क जांच, ब्लड की निःशुल्क सेवाएँ, अल्ट्रासाउंड की सेवाएँ, एक्सरे की सेवाएँ,
सेवाएं, तमाम डॉक्टर मेडिकल स्टाफ को बैठा करके कैंप कभी दूर दूर पे ले जा करके अपने हॉस्पिटल का प्रचार प्रसार करने के लिए डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमें सारा पैसा करेगा। इसी के साथ साथ पब्लिक हेल्थ की बात हम करते हैं, ये जो चौथा है पब्लिक के लिए बहुत ही मस्त है। देखिए हम आपको बता दें कि पब्लिक का रिलेशन जरूरी है, पब्लिक के रिलेशन, पब्लिक का रिलेशन जितना ही इंट्रैक्ट आप किसी भी पीपल से होंगे आपकी कम्युनिटी उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी। जितनी ही साफ सुथरी बातें आपकी होंगी पब्लिक रिलेशन में, पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर जितनी भी साफ सुथरी बातें होंगी, क्लीननेस के साथ जो बातें होंगी, ये आपको बिल्कुल एकदम ब्रांचेस पे डिस्क्राइब करता चला जाएगा, आपको वहाँ पर पढ़ाता हुआ चला जाएगा। यानी कि पब्लिक रिलेशन यानी जब भी कोई पेशेंट का अटेंडेंट या जो भी लोग आए तो उनके साथ जो भी पब्लिक हेल्थ की जो है रिलेशनशिप के जो भी लोग होते हैं उनका एक अच्छा संबंध होना चाहिए और उनसे जो भी बातें कही हैं वो बातें जरूर होनी चाहिए। अच्छा इम्पैक्टिव बात और इफेक्टिव बात शॉर्ट टर्म में और सही चीज़ें सही मेथोलॉजी का प्रयोग करते हुए सही जगह भेज करके सही सारा ट्रीटमेंट का अगर निदान कराया जाता है तो इससे हॉस्पिटल का डेवलपमेंट भी होता है, फाइनेंस सेक्टर का मजबूत होना है स्वाभाविक है और जो भी एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे हैं इनका काम जो है वो जो है रंग लगेगा। आगे फिर हम क्या कह रहे हैं कि इसको देखते हुए हम देखते हैं कि जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, तो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है वो उसमें सबसे पहले आती है क्लिनिकल सर्विसेज। अगर हम क्लिनिकल सर्विसेज को देखा जाए, अगर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम क्लिनिकल सर्विसेज को देखते हैं तो क्लिनिकल सर्विसेज में हमें बहुत सारी चीज़ दिखाई पड़ती हैं। क्लिनिकल सर्विसेज में जैसे आपको बता दें कि जैसे आपको किसी हॉस्पिटल में बहुत जनरल मेडिसिन का वार्ड मिल जाए, क्लिनिकल सर्विसेज में आपको जनरल मेडिसिन मिल जाए, जनरल मेडिसिन का वार्ड मिल जाएगा, इसके बाद आपका कार्डियोलॉजी मिलेगा, कार्डियोलॉजी हृदय का, नेफ्रोलॉजी नेफ्रो मिलेगा, नर्वस सिस्टम का मिलेगा, नर्वस सिस्टम का मिल गया, इसके अलावा आपको मिल गया एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी का मिल गया, इसके साथ साथ आपको गायनोकोलॉजी का डिपार्टमेंट मिल गया, इसके बाद मैटरनिटी पीडिया मिल गया, पीडिया मिल गया, साइकोलॉजी मिल गया, ये सब सारे डिपार्टमेंट आपको एक हॉस्पिटल्स में मिल सकते हैं जो को रिलेट होकर एक हॉस्पिटल का निर्माण करते हैं। इसके अलावा आपको आपको जो है पैथोलॉजी है, मेडिकल डिपार्टमेंट मेडिसिन है, ठीक है, इसके अलावा टीचिंग एजुकेशन और रिसर्च, ये सारे जो है आपको एक हॉस्पिटल्स में मिल सकते हैं। क्लिनिकल आपको मैं बता रहा हूँ कि क्लिनिकल की बात मैं कर रहा हूँ तो ये आपको क्लिनिकल के अंतर्गत आपको मिलेगा। ये बोल जनरल मेडिसिन का है, कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरॉन्स है, नर्वस सिस्टम्स को बोलते हैं एंडोक्राइन है और गायनेकोलॉजी है और इसके अलावा आपका जो है पीडिया है, मैटरनिटी सेंटर है और फिर आपको पीडियाट्रिक है, आपको ऑर्थोपेडिक्स का सेंटर है, ये सारे सेंटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे फिर हम इसी क्रम में डिस्कस करते हैं कि दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक तो ये हो गया आपका क्लिनिकल सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, कब किसको अपॉइंट करना है, कब किसकी सैलरी बढ़ानी है, कब घटानी है, कब किसको रखना है निकालना है, बहुत सारे पावर्स उसके अंतर्गत आते हैं और जो हेड का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो सारे कागज पत्र को और भी बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में आ जाता है, हेड ऑफिस का वो वर्क होता है। इसी के साथ साथ अगला है एम्बुलेटरी सर्विसेज। देखिए हर हॉस्पिटल्स में एम्बुलेशन की यानी कि एम्बुलेशन जो यानी आप कह सकते हैं एम्बुलेंस का होना अनिवार्य है, आवश्यकता पड़ने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक हॉस्पिटल से दूसरे अस्पताल तक आप एम्बुलेंस को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होना भी अनिवार्य है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आप किसी भी पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं जिससे उस पेशेंट की जान को आसानी से बचाई जा सकती है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीजन और मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ सब अवेलेबल होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनको ट्रीटमेंट इंजेक्शन ये सारी चीज़ें वो दिए रहते हैं। आगे फिर हम बात करते हैं कि नर्सिंग सर्विसेज। देखिए हर हॉस्पिटल्स में एक नर्सिंग सर्विसेज होना जरूरी है। नर्सिंग सर्विसेज का मतलब क्या है कि नर्सिंग स्टेशन, आप जानते हैं किसी भी हॉस्पिटल्स में आप किसी वार्ड के पास में आप देखते हैं तो नर्सिंग का एक स्टेशन होता है। नर्सिंग स्टेशन में जो है जो एक हेड नर्स होती है
मिडवाइफ जो होती है, नर्स जो होती है, कहते हैं कि नर्स नर्सिंग स्टेशन यानी कि नर्स जो होती है वो क्या करती है कि उसके साथ में और भी नर्सेज होती हैं, तो क्या करती हैं कि समय समय पर ट्रीटमेंट, समय समय पर जो पेशेंट को इंजेक्शन देना है, दवा देना है, ड्रेसिंग करना है, जो भी जैसा भी उपचार डॉक्टर्स के द्वारा लिखा गया है उसके पूरे क्लिनिकल रिकॉर्ड में, उस वैसा वैसा वो फॉलो करती हैं और डॉक्टर्स के साथ वो डॉक्टर को जो है उसके पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि जो भी उसके सिम्टम्स कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं या उसको जो भी चेंजेबिलिटी हुई है, जो भी दिक्कत घटी है या बढ़ी है उसके बारे में अवगत समय समय पर वो करवाते रहते हैं। इसी के साथ साथ फार्मेसी सर्विसेज का भी होना हॉस्पिटल्स में अनिवार्य है। फार्मेसी क्या करती है, फार्मेसी जो है वो मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा दे रहा है, मेडिसिन दे रही है वहाँ पर। और क्या है इसके अलावा, अगर एक फार्मासिस्ट का रोल हमने बताया भी था आपको, डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन क्या बोलते हैं, और देना भी मेडिसिन को देना, और मेडिसिन को जो है वहाँ पर मेडिसिन वार्ड देने से हॉस्पिटल्स में बहुत सारी सुविधाएँ हो जाती हैं। कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ने पर ब्लड बैंक की रहती है, ब्लड बैंक से जो ब्लड की अगर आवश्यकता पड़ती है तो ब्लड बैंक का भी रहना बहुत ही अनिवार्य है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं कि वहाँ पर ब्लड बैंक सेंटर भी होते हैं, फार्मेसी का सेंटर होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स कि कैसे हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है, रन करता है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स में मतलब क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होती है, ये चीज़ आज आपने आपके समक्ष हमने पूरा डिस्कस किया। आगे के लेक्चर में फिर आगे का जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को। थैंक यू प्लस।